प्रविष्ण विष्णु पादोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग सर्वत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ण विष्णु पादोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति लीलांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता। हरे कृष्ण कथ श्री चैतन्य चैतन्यामृत ग्रंथ में एक उपदेश है जिसका नाम कृत उपशिक्षा है। मतलब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी का प्रयाग है जहाँ इलाहाबाद है। गए कि नहीं प्रयाग गए हो? कोई नहीं है, सब एक बार ले जाएंगे ठीक है। इसलिए कहते प्रयाग में महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने कुछ शिक्षा दिया है जिसको कहते हैं रूप शिक्षा है। महाप्रभु कहेंगे बोले देखो रूप गोस्वामी यदि जो भक्ति रस है ना ये एक अथाह समुद्र है जिसका कोई आर पार है नहीं, लेकिन इनको पूरा के भक्ति रस तुमको पिला नहीं सकता। उसका एक बूंद में तुमको चखा रहा कितना एक लेकिन उसके लिए तो एक बूंद है लेकिन हमारे लिए बहुत है। महाप्रभु को बोले एक बूंद है लेकिन हमारे अंदर में आधार नहीं इतना लेने के लिए, इसलिए बोले हमें एक बूंद। लेकिन उनको तो मैंने एक बूंद सिखाया लेकिन जो हमारे लिए ना बहुत है। उदाहरण देता है कभी रसगुल्ला जो खाते हैं है, अगर जिसमें बहुत भरा हुआ रस आप देखो उसको पूरा मुँह में डाल दो ना देखना कि दोनों धार से कभी कभी एक आध बिंदु निकल जाता है टप हो जाता है। लेकिन देखना उसको चेटा चेटी के लिए बहुत है, चेटा के लिए बहुत है हमारे मुँह से तो एक आध बिंदु निकल जाएगा लेकिन चेटी के लिए चेटा चेटी के लिए बहुत है। हम भी ऐसे सब चेटा चेटी है हम सब के सब हमारे लिए ये बहुत है हमारे लिए। तो महाप्रभु कहते देखो कहते रजो भी समसंख्या का पार्थिव ही निरजन तव तेसाम जे किर्चन अंत्येष्टय वही मन जात। इसका मतलब है जैसे धूल कणा को हम गिर नहीं सकते हैं, जैसे बारिश का बूंद को हम गिर नहीं सकते हैं, कहते संसार में इतने जीव है ना उसको भी हम गिर नहीं सकते। गिर सकते हो देखो एक गिलास पानी है आप बोले कि कैसे पानी है, माइक्रोस्कोप के देखो बोले नहीं तो प्योर पानी लेकिन वैसे देखो लेकिन जो अणुपी मैंने जनता से देखोगे ना उसमें इतने कीड़े हैं ना इतने कीड़े हैं पृथ्वी में शायद इतने इंसान नहीं होंगे, इतना इंसान नहीं होंगे पृथ्वी में। तो समझो जगत में कितने जीव हैं, जगत में कितने जीव हैं। लेकिन ये जो जीव में क्या है ऐसे कुछ हो उसका अंदर में जो विशेष भाग्यशाली है भगवान उसको मानव जन्म देते हैं, उसको पेड़ पौधा में चले जाते हैं, उसको जानवर जीवन में चले जाते हैं, उसको मछली होकर जन्म लेते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पानी में भी आधा और श्री मिट्टी में भी आधा, ऐसे कुछ सर्प है जैसे अलग अलग हैं पछुआ है। लेकिन उसमें जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उसमें किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ना यह मानव जन्म ये मानव जन्म मिलता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं तेत ईसी बिनो हेतु सने। अगर कोई सोचे नहीं हमने बहुत बड़े पुण्य किया था ना इसलिए ठाकुर जी हमें मानव जन्म दिया, कहते हैं कोई पुण्य से मानव जन्म नहीं मिला है। तो जगत में इतने जीव इतने जीव इतने जीव है अगर एक क्लास में इतने बैक्टीरिया अगर गिर नहीं सकते पृथ्वी में एक इंसान नहीं देखना जब एक शरीर सड़ जाए अगर कुछ नहीं कर सड़ जाए उसमें कितने कीड़े पड़ जाते हैं कितने अगिनत उसमें कीड़े पड़ जाते हैं अगिनत कीड़े पड़ जाते हैं लेकिन कीड़े पड़ जाते हैं कितने कीड़े पड़ जाते गिन नहीं सकते। तो समझो जगत में जीव कितने हैं, बहुत जगत में जीव है। इसलिए भगवान श्री अपना माता देहूति को कहते बोले माता जी जो जीव है ना कहते एक बूंद बीज में इतने जीव है अगिनत एक बिंदु बीज में अगिनत जीव है जब वो पेट में जाती है वो वहाँ पर लड़ाई होती है
अभिनत एक बुद्ध में अभिनत जीव है, लड़ाई होती है, लड़ाई होते 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 उसमें एक जीव बाकी रह जाता है, जो हम एक इंसान को बनता है। एक जीव मतलब समझो कि जो इंसान का जीवन है कितने दुर्लभ, एक इंसान का जीवन कौन कह रहे, भगवान कह रहे, हमें ये चीज पता नहीं ना, लेकिन ये भगवान की चीज, भगवान जी को, ठाकुर जी को पता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि इतने जगत में जीव है, हैं, और ये जीव में जो मानव शरीर है ना, ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते मानव शरीर, उसको एक बार ये मानव शरीर मिला, लेकिन मानव जन्म में भी देखो, आप टीवी में देखा हो कुछ अभी भी साउथ अफ्रीका में अभी भी कुछ जंगल में ऐसे कुछ लड़ाते जो नंगे रहे, सभ्यता व्यवस्था कुछ पता नहीं, आप यूट्यूब खोल कर देखो वहाँ पर नंगे रहते हैं, अभी भी वो कपड़ा पहनना भी वो नहीं जानते, जंगल में घूमते हैं जो मिलता है खा कर उसको अपना जीविका निर्वाह करते हैं, वो जंगल में जो रहने वाले हैं उससे छांट करके कुछ लोग सब करने आते हैं, कुछ लोग जैसे हम लोग सभ्य लोग आए हैं, देखना वो सभ्य लोग में ऐसे लोगों को तुम देखोगे जगत में, शास्त्र तो पढ़ते हैं, वेद तो पढ़ते हैं लेकिन मानते हैं कुछ तो लोग, इस शास्त्र ग्रंथ से कोई मतलब नहीं, केवल कमाई करो खाओ पियो और जानवर जैसे मर जाओ, कुछ लोग हैं, लेकिन जो ऐसे लोग में कुछ व्यक्ति आते हैं जो सभ्यता में, जो कि शास्त्र ग्रंथ तो मानते हैं लेकिन वो मुंह से मानते हैं लेकिन अपना जीवन में कुछ भी नहीं होता है। अभी जो मानते हैं शास्त्र को, जैसे शास्त्र को मानते हैं, कुछ लोग को ऐसे देखोगे जिनको ये जड़ कर्म में विश्वास है, भक्ति में विश्वास नहीं, बोले कर्म करो कर्म करो कर्म में विश्वास है, ऐसे करोड़ों करोड़ों कर्मियों में इसको ये ज्ञान में विश्वास होता है, बोले करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में भी किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति में विश्वास होता है, और किसी किसी जो भक्ति में विश्वास होता है कुछ ऐसे लोग जो नारायण भक्ति करते हैं उसमें करोड़ों करोड़ों जो नारायण भक्ति करने वाले एक व्यक्ति होते हैं जो राम की भक्ति करते हैं, राम की करोड़ों करोड़ राम भक्ति करने वालों में एक व्यक्ति होता है जो कृष्ण को मानने वाले, हाँ कृष्ण की तीन एक द्वारा गति से कृष्ण एक मथुरा की एक वृंदा है, ऐसे करोड़ों करोड़ में कोई व्यक्ति जो कृष्ण को, कौन सा कृष्ण, जो वृंदावन लाल Yeah! जो वृंदावन कृष्ण को मानते हैं उसमें भी कोई प्रभुपद दास्य रस में, कोई सख्य रस में, कोई वात्सल्य रस में, और जो श्रृंगार रस में, मतलब गोपियां जैसे कृष्ण को भक्ति करने वाले व्यक्ति जगत में बड़ा दुर्लभ है, और उसी दुर्लभ व्यक्ति में आप लोग रहेगी, तुम लोग एक हो, जो कि ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है वृंदावन जो कृष्ण को उसको मानते हैं, और उसी में भी एक दुर्लभ है जो चैतन्य महाप्रभु का भक्ति में आए, वो बहुत बहुत दुर्लभ है, जब भी तुम लोग ये बात को कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ये बात मत करो, इसलिए कौन कह रहे हैं, यदि भगवान कह रहे हैं किसको, श्री रुको गोस्वामी को कि भगवान कह रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित पूर्ण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद गाय, ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है, कौन लो व्यक्ति कौन है, तो सबको नहीं मिलता, आप बताओ बड़ों में कितने लोग, मंदिर में कितने लोग आते हैं, इसलिए भगवान के कौन मतलब है, जिन्होंने पूर्व पूर्व जन्म में बहुत उन्होंने भक्ति गुरुओं के सुपुर्द किया है, साधु संत के लिए, ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, पूर्व जन्म में जो बहुत बहुत उन्होंने सुपुर्द इकट्ठे किया है ना, यदि उन्हों कहीं जीवन में ये साधु संत की कभी प्राप्ति होता है, भक्ति लता बीज तभी जीव को प्राप्ति होता है, गुरुदेव ने क्या किया, वो जो भक्ति लता की जो बीज, भक्ति पर लता बताया, लेकिन वो बीज के बगैर लता तो होगी नहीं, कभी नहीं,
यदि वो जो बीज को क्या कहते हैं गुरुदेव हमारे हृदय में वो तो बीज को बो दिया है, लेकिन अभी हमको नहीं बोले हम माली है, बोले माली का क्या काम, बोले पानी दो, क्या करो पानी दो उसे, उसको पानी देना, लेकिन अगर आप पानी नहीं देंगे तो पेड़ सड़ जाएगा। यदि ये पानी किया है जैसे साधु संघ में आते हो हरी कथा सुनते हो गुरु वैष्णव से उपदेश को ग्रहण करते हो, यही पानी जो व्यक्ति देखना मंदिर में आते हैं कथा सुनते हैं आते हैं ना उनकी भक्ति थोड़ा जीवित है। मुझे लगता है कितने बड़ों तक के लोगों ने माला दी है, जब मैं कुछ देर बाद में देखता हूँ गले में कंठी नहीं थी लकड़ी माला ही नहीं जब कंठी, क्यों पानी नहीं दे रहे, बीज तो बहुत दिए लेकिन उसमें पानी नहीं दे रहे, और पानी नहीं देने का अंदर पानी देना तो साधु संग करना भक्तों के संग में जुड़े रहना, ये पानी देना है, पानी दोगे तभी तो वो भक्ति के महत्व पता चलेगा ना, तभी तो भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, नहीं तो बढ़ेगी कहाँ से, बढ़ेगी नहीं, इसलिए उसमें पानी देनी चाहिए। मतलब क्या, मंदिर में आनी चाहिए, भक्तों का संग करनी चाहिए, हरि नाम को करनी चाहिए, ठाकुर को सेवा करनी चाहिए, पानी है। लेकिन जी आप देखना पेड़ लगाते हो फिर जब तक पेड़ लगाए तो कोई तो पहले तो हर घर में बाग रहते बगीचा रहते थे, पेड़ पानी देते हो देखना जैसे धान का बगीचा है, खेती किए हो जिंदगी में किसी ने, किए हो खेती, आप देखना धान में जब धान का पेड़ बोते हो उसमें कुछ आगाछा हो जाता है, आगाछा मतलब होता है क्या करेंगे, खरपतवार जैसे जंगली घास, उसमें देखना है वो जंगली पौधा है, अब देखना और विशेष जो श्यामा चावल होता है ना विशेष करके वो विशेष करके वही आ जाती है श्यामा चावल की वृक्ष, अब देखना जो असली जो धान की वृक्ष देखने में जितना सुंदर होगा जो श्यामा वृक्ष देखना उससे ज्यादा काला रहती है और ज्यादा पौधा होगा, लेकिन जो असली पेड़ वृक्ष है ना वो देखने में ज्यादा सुंदर है और बड़ा हरी भरी होगा, लेकिन जो असली जो किसान है वो जानता है मूल पेड़ कौन सा और श्यामा पेड़ कौन सा, वो जानता है, वो क्या करता है जो मूल वृक्ष को जो मिलनी चाहिए रस है वो सारे रस को वही ले लेता है और जो मूल जो वृक्ष ना धर लेता है फिर धान की पेड़ नहीं निकले वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो सही किसान को जानता है असली पेड़ कौन वो क्या करता है पहले से उसको उखाड़ देता है, उसको पहले से ही वो उखाड़ कर फेंक देता है, लेकिन मूल वृक्ष को ताकत ही नहीं मिलेगा, बोले इसका मतलब क्या है, बोले मतलब होता है जब भगवान की भक्ति करते हैं ना अब थोड़ी सी मन लगाकर हरिनाम करना शुरू कर दो, थोड़ी सी भगवान की सेवा भक्ति करो, देखना दुनिया में सब भगत है, सब भगत भगत अगर बोलना शुरू कर दो आप भगत जी आपको प्रणाम करेगी नमस्कार करेगी और दान देखना देना शुरू कर देता है और बड़े प्रतिष्ठा होता है जगत में, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जो प्रतिष्ठा होती है ना उसी समय में क्या होता है वो जो असली जो क्या है जो भक्ति बढ़नी चाहिए वो फिर बढ़ती नहीं, लोग प्रतिष्ठा देते हैं इज्जत देते हैं फिर उनके अंदर अभिमान आता है, इसलिए हमारे संत लोग कहते हो क्या चीज हूँ और क्या बोल, मतलब है पहले हम क्या थे क्या बन गए फिर उनके अभिमान आ जाती है, फिर जो भक्ति जो करना है ना धीरे धीरे वो भक्ति धीरे 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 बढ़ जाती है, फिर सम्मान पूजा प्रतिष्ठा में जीवन उसमें चली जाती है, और उसको अगर बह गए फिर तो भक्ति घट जाती भक्ति घट जाती है, इसलिए उसमें बहने नहीं चाहिए, थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दिया प्रणाम दे दिया प्रणाम कर दिया है उसमें रब नहीं जानी चाहिए है, ये नहीं समझनी चाहिए अरे हम तो बहुत बड़े हो गए हमने बहुत बड़े हो गए है हर समय में दीनहीन होकर के भगवान की भक्ति को हमें चलनी चाहिए, वो आकाश है, अब देखना जैसे पौधा लगा देते देखना चार तरफ में बाढ़ लगा देते ना, नहीं तो बकरी क्या करते हैं बकरी आकर के खा जाएगा, नहीं तो कोई गैया आकर के ना पेट उठा लेते, चार तरफ बाढ़ लगा देते चार तरफ में उसमें बाढ़ लगा देते नहीं तो आकर के दूसरे जानवर को खा जाएगा मैं पेड़ को खा जाएगा, इसलिए कहते हो हम
भक्ति करते हैं और जो दूसरे दूसरे जो ज्ञान कहते जो दूसरे दूसरे जो ज्ञान कर्म योग है वो आकर के ये भक्ति जो मूल वृक्ष को भक्ति को ये ढक देती है, मूल वृक्ष को ये ढक देता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, उसको ढक देगा, नहीं तो ढकेगा तो खाई जाएगा वृक्ष को, उसने खा जाएगा। इसलिए करके अब हम भक्ति करते हैं पर ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जीव हिंसा है कुटी नाटी चौकीदार ये भक्त संग है। अगर हम सच में
सचमुच भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों के साथ में जुड़े हुए ना, देखना हमारी भक्ति कभी नष्ट नहीं होने वाली, बल्कि भक्ति धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति कभी घटेगी नहीं। इसलिए हर शास्त्र देखना है साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे और लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। हर शास्त्र कहना है बिनु सत संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। हैं इसलिए जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक ठाकुर का कृपा नहीं होगा साधु संग भी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सत संग की दुर्लभ संसार, संसार में जो सत्संग पार्वती जगत बड़ा दुर्लभ बड़ा दुर्लभ। अब पूरा बड़ोद में देखो जैसे यहाँ बैठ के पूरा कथा करे और नहीं बताओगे क्या नहीं हो रहे नहीं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सत्संग की दुर्लभ संसार, इसी संसार में जो सत्संग है जो भगवान की कथा है पार्वती बड़े किस्मत वालों को ये चीज हमें मिलता है। इसलिए समझो हम बड़े किस्मत वाले प्रभुपाद यही कहते हैं भगवान की कथा साधु संग जगत में बड़ा दुर्लभ बड़ा दुर्लभ। इसलिए आप लोग करोड़ों करोड़ों जन्म का आपका कोई भक्ति और रूप सुकृति है, इसके वजह से समझो थोड़ी बहुत साधुओं का संग हरि कथा जो मिल रहा है थोड़ी सी भगवान की कथा साधुओं की संग और सत्संग में मिलता है। ठीक है ना, बोले बिना गौर प्रेमानंद हम कल से मिले महाप्रभु आगे क्या बोलते हैं, भक्ति कैसे धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेगी, भक्ति कैसे हमका आगे कैसे धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, महाप्रभु बहुत अच्छे तरह से की बात को समझाते हैं। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा हरे।